हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग त्रिशा, विभांशु गुड मॉर्निंग। तो देखो, गुड मॉर्निंग अमित, इट इज राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर योर कैट प्रिपरेशन। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक सक्सेस का एक मंत्र दे दिया जाए, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर, अब हमारे पास एग्जैक्ट 12 मंथ है, ठीक है, फॉर कैट। और आप बिलीव करो कि ये 12 मंथ बहुत बहुत कम लगेंगे आपको इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैं आज को आपको इस सेशन में बताऊंगा कि कैट को क्लियर करने में टोटल 5 स्टेज होते हैं। वैसे तो मेजर 3 स्टेप होते हैं, राइट, कैट के क्लियर करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज आपको रिटन क्लियर करना है, ठीक है, रिटन क्लियर करना होगा। सेकेंड स्टेप इज, अच्छा, यहां पर एक टर्म आती है प्रोफाइल, और फाइनल स्टेप आपका होता है GDPI। ये 3 स्टेप क्लियर करके यू कैन गो टू अ गुड MBA कॉलेज, ठीक है। कुछ बच्चों का हो सकता है इस प्रोफाइल थोड़ा वीक हो, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस चीज में कैसे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। ये सब आज हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। Going to be very helpful for all those preparing for CAT 2024. आप में से जो भी बच्चे CAT 2024 के लिए prepare कर रहे हैं, उनको written में क्या करना चाहिए, written exam जो CAT का exam होता है उसमें क्या करना चाहिए, profile में क्या करना चाहिए, GDPI में क्या करना चाहिए। और याद रखना कि इसमें सबसे difficult part जो आपको लगता होगा ना, this is GDPI part. It is not कि आपको written difficult लगता हो। रिटिन का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इफ यू फॉलो दिस सिस्टमेटिक प्रोसेस यू कैन क्लियर दिस रिटिन एग्जाम। कैट में परसेंटेज लाइन लाना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हाउ कैन यू कन्वर्ट यूर कॉल्स। मेरे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास 7 से 8 कॉलेज से, गुड कॉलेज, इवन ब्लैकी से कॉल आया, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट ऑल दोज कॉलेजेस। तो यहां पर ना आपको ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत है। आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको GDPI भी अच्छा करना। और GDPI ऐसा नहीं कि आप कैट के एग्जाम के बाद करोगे, आप आज से ही GDPI की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। आपको अभी से GDPI के लिए तैयार। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम आपको अभी से GDPI। नाउ इसमें 2 पार्ट है जो आपको वर्क करने, तो रिटन पार्ट और GDPI। प्रोफाइल पे आपको वर्क नहीं करना है, बिकॉज ये आपका ऑलरेडी सेट हो चुका है, इसमें अब आपको ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते हो। प्रोफाइल आप अपना इम्प्रूव, अब अगर आपको 10th का स्कोर या 12th का स्कोर आपका खराब हो गया, तो उसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है इन चीजों को, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आज के सेशन में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए, और इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम है कैट के अलावा। मतलब आपका अगर टारगेट है गुड MBA कॉलेज, तो उसमें क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को, वो सब मैं बताऊंगा। अच्छा, पहली बात तो हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल कैसे। हाँ अमित, मैं बताऊंगा उस चीज को भी डिस्कस करूंगा मैं। एंड रिमेंबर फॉर दोज हु आर गिविंग कैट 23, उनके लिए नवंबर 19th, मतलब कल, वी आर कंडक्टिंग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये आपको जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। जो भी बच्चे कैट 23 के लिए जा रहे हैं, इसमें बड़ा फायदा ये कि जो भी आपने फॉर्म फीस सबमिट की होगी ना, 2400, इट विल बी रिफंडेड। यू विल गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन कैट एंड GDPI कोर्सेज, और आप लोग भी दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो गेट फी रिफंड ऑन दिस, ठीक है। एंड अबाउट मी, आई हैव मोर देन 25 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट। आई mentor more than 25,000 with more than 2,000 student already join IIM and top MBA college, और कुछ अभी भी कर रहे हैं, कुछ करके जॉब में लगे हुए हैं। एंड आई authored अ बुक, बेस्ट सेलिंग क्वांट बुक मैथमेटिका, इसका वॉल्यूम 1 अभी अमेजन पे अवेलेबल है। आई विल गिव यू लेटर, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। दिस बुक विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अर्थमेटिक पार्ट। कैट का एक पोर्शन तो आप इस बुक से कवर कर सकते हो। सो अगर आप कैट 24 के लिए जा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर गोइंग फॉर कैट 24, तो आपको आज ही से अपना जो भी आपने करते आए वो सब चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर लाइफ टूडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। मतलब ये मत सोचो कि आप लोग कितना, आपको मैथ्स आती है, आपको LRDI भी, ऐसे कुछ भी अच्छा है, लेकिन आपको और सबसे अच्छा करना पड़ेगा।
इट इज नॉट लाइक कि आपने हाई स्कूल या ट्वेल्थ में बोर्ड में आपने 60 या 80% नंबर लाके आप पास हो गए। अब यहाँ पर पास नहीं होना है आपको, आपको सबसे आगे रहना है, ठीक है, टॉप 99 और 95% से अबव रहना है। तो आई विल गिव यू रोड मैप हाउ कैन यू गेट दोज 99+% वो कैसे आपको मिलेगा उसको मैं बताता हूँ, प्लस आपके प्रोफाइल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखो जब हम बात करते हैं ना एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। नॉर्मली एमबीए कॉलेजेस का 22 का जो सर्वे हुआ था 2022 का, उसमें आपको पता है 70% इंजीनियर्स थे, 70% इंजीनियर्स थे, 13% ये 70% इंजीनियर 13% कॉमर्स बैकग्राउंड के थे, ठीक है, 3% साइंस बैकग्राउंड के थे, साइंस बैकग्राउंड के 3% एंड 5% मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, जो बीबीए वगैरह करते हैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, और 7% अदर्स थे। इसमें आर्ट्स वाले बच्चे या बी फार्मा मेडिकल वाले बच्चे तो अदर्स थे 7%। तो ये तो कंफर्म है कि जो भी फाइनल एडमिशन होता है उसमें 70% इंजीनियर्स होते हैं। तो ऐसा मत समझो जो इंजीनियर्स नहीं है, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के 3% साइंस, ये जो नंबर्स है ना बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ 70% तो मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स इंजीनियर्स थे, 13% मतलब आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको एक सीट चाहिए, अब आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो, प्रिपेयर वेल, मेहनत करो, यू कैन गेट टू दिस एग्जाम, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो आपको प्रिपेयर करना, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एग्जाम होता है ना इसमें किस तरह से प्रोफाइल को देखा जाता है, तो मैं आपको प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रोफाइल में बहुत प्रॉब्लम होती है कि प्रोफाइल सर कैसे मैनेज करें, व्हाट ऑल अबाउट प्रोफाइल, प्रोफाइल कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, कॉलेजेस किस तरह से प्रोफाइल को देखते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आप में से कितने लोग, जरा मुझे बताओ कितने लोग हैं जो कि इंजीनियर बैकग्राउंड के हैं, देखो भाई, ओके नाउ अगर मैं आपके प्रोफाइल के बारे में बताता हूं, प्रोफाइल में वो लोग क्या क्या चीज चेक करते हैं। प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल 10th और 12th के मार्क्स का चेक होता है, राइट, देन वर्क एक्सपीरियंस, और उसके बाद जेंडर, ठीक है। यहां पर एक और होता है एकेडमिक बैकग्राउंड। आज से करीब 5 years एगो, जब हम 2017 से पहले की बात करते हैं, तो ये एकेडमिक नहीं देखते थे। देखो यहां पर इंजीनियर्स को 0 point दिया जाता है और नॉन इंजीनियर्स को 2 point दिए जाते हैं, 2 marks दिए जाते हैं। तो अगर आप नॉन इंजीनियर तो आपको 2 marks तो वैसे मिल जाएंगे। जेंडर में मेल को 0, फीमेल को 2, क्योंकि फीमेल नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट जॉइनिंग एमबीए कॉलेज लेस था, तो इसलिए उन्होंने जेंडर के हिसाब से फीमेल को 2 marks दिए, सो दैट फीमेल स्टूडेंट कैन आल्सो जॉइन। नाउ वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है।
वर्क एक्सपीरियंस 0 से 12 ईयर्स को 1.12 मंथ 24 मंथ 2.24 टू 36 3 पॉइंट। उसके बाद 36 to 48 दे डिक्रीज स्टार्ट डिक्रीजिंग 48 to 60 मंथ दे गिव यू 1 पॉइंट मोर देन 60 मंथ दे गिव यू 0 पॉइंट। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अराउंड 2 साल के आसपास का देन यू विल गेट ऑलमोस्ट 3 पॉइंट। अच्छा, ये क्राइटेरिया हर कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंट होता है। 10th and 12th के दे विल गिव यू 5 मार्क्स 5 पॉइंट। ओवरऑल मिला के यहां से आपको मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम यू विल गेट 11 पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोफाइल। तो अब इसमें से देखो, अब आप क्या क्या चेंज नहीं कर सकते हो। दिस 10th and 12th के मार्क्स यू कांट चेंज, जेंडर यू कांट चेंज, एंड एकेडमिक यू कांट चेंज। तो जो चीज आप चेंज नहीं कर सकते उसको टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो बच्चे लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं सर प्रोफाइल। अच्छा, थोड़ा सा आप प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो। आप कुछ गूगल ना फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है अभी गूगल में, जैसे एक्सेल के कोर्सेज हैं, फाइनेंस के कोर्सेज हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हो। गूगल फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स देता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप अपना प्रोफाइल वर्क एक्सपीरियंस के फॉर्म में बढ़ा सकते हो। जैसे आपने गूगल पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस होते हैं, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ तक तो हो गया प्रोफाइल के बारे में, और आपको अभी से अपने प्रोफाइल पे वर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो, एक्सेल का कोर्स करोगे, ऑफिस का कोर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, फाइनेंस के कोर्सेस है, बैंकिंग सेक्टर के बहुत से कोर्सेस है, दैट यू कैन डू फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम गूगल। तो ये आपका प्रोफाइल के बारे में हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू ए प्रोफाइल, यू कैन आस्क मी। ये तो हो गया प्रोफाइल। अब हम आते हैं रिटन एंड GDPI। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रिटन हो गया, प्रोफाइल हो गया, GDPI। अब हम देखते हैं इनके फाइनल सिलेक्शन, फाइनल कॉल के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, फाइनल कॉल के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर वन देखो, प्रोफाइल हो गया 10% वेटेज। फिर आ गया रिटन पार्ट। रिटन पार्ट में आपको दे गिव यू 35 to 40% वेटेज। एंड फाइनल ये NPTEL की फुल फॉर्म बताओ जरा मुझे। नेशनल प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग है ना, टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। हाँ यस, इसके भी पॉइंट होते हैं। और उसके बाद GDPI 50 to 60%। तो अगर आप जितना प्रेशर आप रिटेन का लेते हो, अगर थोड़ा प्रेशर आप GDPI का ले लोगे, तो आपको ये एग्जाम क्लियर कर लोगे आप। तो मैं आपको बताता हूँ रिटेन के लिए कैसे करना चाहिए आपको, फिर मैं बताऊंगा GDPI कैसे करना है आपको। नाउ फॉर रिटेन यू हैव टू अवॉइड सम कॉमन मिस्टेक्स, जो आप नॉर्मली करते हो उसको आपको अवॉइड करना है। पहली बात तो लैक ऑफ प्लान, आपका एक प्लान होना चाहिए। अब प्लान क्या है, मैं आपको पूरा प्लान डिटेल में समझाऊंगा टू क्लियर दिस एग्जाम। आपको डिटेल प्लान दूंगा मैं रिटेन कैसे निकालना है आप लोगों को, हाउ कैन यू क्लियर दिस रिटन पार्ट। ठीक है, तो देखो प्लान जो होना चाहिए आपके पास, हमारे पास हाँ इन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, हाँ ये भी वर्क करता है, इस पर भी फायदा होगा आपको। तो अब हम बताते हैं आपको प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए फॉर योर कैट एग्जाम। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस प्लान, याद रखना किसी भी कोर्स को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी पार्ट को अगर आप पढ़ते हो, तो देर आर डिफरेंस इन क्लास 10th and 12th ऑफ ग्रेजुएशन और कैट एग्जाम में। यहाँ पर आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना, आपको स्मार्ट सिलेक्शन करना होता है क्वेश्चंस का। स्मार्ट सिलेक्शन के लिए आपको पहले तो अपनी स्टडी में स्मार्टनेस आनी पड़ेगी। VARC, LRDI एंड क्वांट। क्वांट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि फिक्स्ड सिलेबस है, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप अगर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपके लिए आसान है। LRDI नो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, और VRC में भी नो फिक्स्ड क्राइटेरिया। ठीक है, अब जैसे हम क्वांट की बात करते हैं, तो क्वांट में आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो
मैं आपको बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन वीआरसी में यू कैन एक्सपेक्ट 24 क्वेश्चन, एलआरडीआई में यू कैन एक्सपेक्ट 20 क्वेश्चन, क्वांट में यू कैन एक्सपेक्ट 22 क्वेश्चन. नाउ मैं आपको बताता हूँ 99 प्लस परसेंटाइल, 95 प्लस परसेंटाइल एंड 90 प्लस एंड 85 प्लस, क्या क्या आपको कितना स्कोर करना चाहिए टू गेट 99 प्लस. तो अगर इफ यू वॉन्ट टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल इन वी आर सी तो आपको 16 to 17 क्वेश्चन करने पड़ेंगे विद 90% एक्यूरेसी, राइट. आपको 17 क्वेश्चन करने पड़ेंगे विद 90% एक्यूरेसी टू गेट 99 प्लस परसेंटाइल. 95 के लिए आपको 14 प्लस. मंत्रा आईपी मैट भी बहुत अच्छा है, उसमें भी यही सब सिलेबस है, ठीक है. आईपीएफ में थोड़ा सा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस आ जाता है जो कि क्लास 12th का सिलेबस है, बाकी सब कुछ सेम रहता है. क्वांट भी उतना ही है, एलआरडीआई और वीआरसी लेवल लगभग पेपर का जैसे ही होता है, ठीक है. मैं सबको बता दूंगा, 90 प्लस के लिए आपको 12 प्लस क्वेश्चन और 85 के लिए 10 प्लस क्वेश्चन. तो इतना आपको टारगेट लेके चलना है. मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल आपको जो स्कोर लाना है कैसे ला सकते हो आप. एलआरडीआई 99 प्लस में आपको 10 प्लस क्वेश्चन, इधर 8 प्लस, इधर 5 प्लस और 4 प्लस, ये आपको परसेंटाइल वाइज आपका हो गया, आपको इतने क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है. ये सब 90% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं मैं. क्वांट में 15 प्लस क्वेश्चन में आपका 99 प्लस आ जाएगा, देन 13, देन 10 और फिर 8. तो अब आपको समझना ये है कि एवरी स्टूडेंट नो, एक मिनट होल्ड करना, तो अब ऐसा तो होता नहीं है कि सारे बच्चे वीएआरसी एलआरडीआई क्वांट में अच्छे हों. हो सकता है कोई स्टूडेंट क्वांट में बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट, एवरेज, वीक. तो अब आपको करना क्या चाहिए, इफ यू वांट टू गेट ओवरऑल, अगर आपको 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो देखो मैं बताता हूं कि अगर हम कैट की बात करेंगे तो उसमें हमको, हाँ, ये होता है, ये सभी के साथ होता है, एक्सीलेंट, क्वांट में, वीआरसी में एवरेज और वीक. मैं आपको बताऊंगा एलआरडीआई में वीक जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, एलआरडीआई में वीक जैसा वर्ड कोई होता ही नहीं है, ठीक है. ये प्रैक्टिस से आप हो जाओगे, मैं उस पे आऊंगा अभी उस पॉइंट पर. तो इफ यू वॉन्ट टू गेट ओवरऑल 99 प्लस परसेंटाइल, तो आपका जो एक्सीलेंट पार्ट है उसमें देखो मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ, ये आपको 15 प्लस, मतलब 17-16 जाओ, जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो. इधर आप, अगर आपकी वीक है तो 5 प्लस क्वेश्चन करने की कोशिश करो, अगर आपका ये एवरेज है तो 14 प्लस. मान लो कि आपने यही टारगेट लिया है 15 प्लस, माना आपने 16 क्वेश्चन क्वांट में सॉल्व किए सही, ठीक है, आपने वीएआरसी में आपने 15 क्वेश्चन किए और एलआरडीआई में आपने केवल 5 क्वेश्चन करेक्ट किए, माना इतना किया, तो जरा इसको ऐड करो कितना होगा, दिस इज 36, ठीक है. मेघना वेरिएशन होता है, 36 क्वेश्चन इनटू 3 मार्क्स कर लो, इट इज 108 और लास्ट ईयर 104-102 पर आपका 99.5% आया था. तो इसका मतलब हमको पूरा पेपर थोड़ी करना है, हमको तो एलआरडीआई में 5 क्वेश्चन करेक्ट करके भी यू कैन गेट अ गुड स्कोर, डिसेंट स्कोर आपको मिल जाएगा. और याद रखना, मैं आपको डिटेल बताऊंगा वीएआरसी कैसे, आपको एलआरडीआई कैसे करना है, वीएआरसी कैसे करना है, क्वांट कैसे करना है, ये थोड़ी क्लास लंबी होने जा रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि हाउ कैन यू इम्प्रूव, क्या प्लान होना चाहिए. तो अब आपका प्लान पहला ही अच्छा हो सकता है कि कोई बच्चा वी, जैसे गर्ल्स होती है वीआरसी उनकी अच्छी होती है, वर्बल अच्छा होता है, थोड़ा क्वांट कमजोर होता है, तो उल्टा कर लो आप. उस केस में आप वीआरसी में 17 क्वेश्चन की टारगेट करो और क्वांट में आप 13 या 10 प्लस का टारगेट करो और एलआरडीआई में 5 प्लस. तो 5 क्वेश्चन तो मुझे लगता है एलआरडीआई में आप कर ही सकते हो, एक सेट तो आप कर सकते हो, 40 मिनट में एक सेट तो कर ही सकते हो ना. आपकी अगर क्वांट एलआरडीआई बहुत वीक है तो आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो. तो ये तो हो गया हमारे पास कि हम कैसे, हमारा मेन प्लान होना क्या चाहिए. अब मैं वन बाई वन हर चैप्टर को डिस्कस करूंगा कि भाई किस में कैसे करना चाहिए. यहां तक सबको समझ आ रहा है कि आपको क्या, ये आपको अभी डिसाइड करना पड़ेगा आपका वीक पोर्शन क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करोगे. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं
एलआरडीआई, हाउ टू इंप्रूव एलआरडीआई, अगले 12 महीने का टारगेट आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे इंप्रूव करना चाहिए, हाउ कैन यू इंप्रूव 12 मंथ में एलआरडीआई। अच्छा, आपको पता है एलआरडीआई एक ऐसा पार्ट होता है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी टीचर इवन इज नॉट 100% श्योर कि उसको अगर आप 2 या 5 सेट दोगे वो सारे सेट, मुझे अगर आप 4 सेट दे दो शायद मैं भी 2 या 3 ही कर पाऊं। टाइम कंस्ट्रेंट होने में, अगर मुझे आप 4 घंटे दे दोगे तो शायद मैं 4-5 सारे सेट कर दू, 4 सेट अगर आए, 2-3 घंटे दोगे तो शायद मैं 4-4 सेट कर दू, लेकिन उस 40 मिनट में, इन दोज 40 मिनट तो ये तो कंफर्म है कि उस 40 मिनट में आप सारे सेट नहीं कर सकते हो। रिकॉर्ड है 13 क्वेश्चन करेक्ट करने का। नो मेघना, कैट इज नॉट 3 आर, दिस इज 2 आर एग्जाम, कैट इज 2 आर एग्जाम। हाँ, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कैट इज 2 आर एग्जाम मेघना। तो 40 मिनट अब आपको समझना है पूरा, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आपको अप्रोच करना है। मैं गारंटी देता हूं कि आप कोई भी सेट लोगे शुरू में आपसे सॉल्व होगा ही नहीं, आपको लगेगा यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है। मेरी जो एलआरडीआई की क्लास चल रही है ना, इवनिंग में 9 PM है, डू यू नीड इट्स लिंक, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। उस बैच को पहले तो काम करो, ज्वाइन कर लो, मैं उसमें बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अभी उसमें मैंने एक ही क्लास ली है, मेरा भी एक ही क्लास हुआ है, एक तो शुरू की क्लास तो ओरिएंटेशन थी, मेरा भी उसमें एक ही क्लास हुआ है, उसको ज्वाइन करो, मैं उसमें बताऊंगा क्या करना है। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ जो बाकी बच्चे फ्री स्टूडेंट वो भी समझ जाए। मैंने लिंक दे दिया है उसका क्लास का, इसको ज्वाइन कर लो। एलआरडीआई में देर आर इनफाइनाइट सेट्स बन सकते हैं, इनफाइनाइट सेट से इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, LRDI में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बनती है, और उन्हीं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में आपके सेट बनते हैं। दिस इज रियल टाइम सिचुएशन सेट, ठीक है। आप अगर किसी कंपनी में मैनेजर बन जाते हो तो आपको वहां पर सिचुएशंस आएंगे, आपके पास ग्राफ्स आएंगे, उस ग्राफ के हिसाब से आपको आगे अपने जो भी एक्शन है उस वो डिपेंड करेंगे, उन ग्राफ को कैसे आप इंटरप्रेट करते हो। दिस इज वाई LRDI इज सो इंपॉर्टेंट। अब करना कैसे, ये तो हो गया कि एलआरडीआई में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, तो प्रोसेस प्लान इस तरह के क्वेश्चन करने का, सॉल्व टू सेट, और बल्कि टू सेट नहीं, इनिशियली आप एक सेट करो, इन सॉल्व वन सेट और 5 क्वेश्चन डेली फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। नाउ आपको सेट कहां से मिलेंगे, तो पहली बात तो मैं वीकली 2 क्लासेस लेता हूं, उसमें आपको सेट मिलेंगे। उसके अलावा अनअकैडमी में टेस्ट में आप क्विजेस खुद भी डिजाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। आप क्विज में डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से अपने सेट डेली डिजाइन कर सकते हो, और अनअकैडमी की जो बुक्स हैं, अनअकैडमी बुक्स हैं, उनसे आप कर सकते हो। आपको डेली एक सेट करना है, एंड रिमेंबर हर बार का सेट डिफरेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक जगह सेट कर रहे हो, क्योंकि इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। And your target should be before your final exam, you must solve 500 sets. आपके पास 365 या 370 days हैं अभी, you have 370 days. In these 370 days, अगर आप 500 set करते हो, मतलब मैं तो अभी तो initial एक set per day बोल रहा हूँ, अगर आप अभी शुरू के 2 महीने केवल एक set करते हो ना, तो आपको थोड़ा confidence आएगा। And remember, allot आप कम से कम 1 आवर डेली का एलआरडीआई पे फिक्स कर दो, कि मुझे डेली एलआरडीआई का एक सेट करना है 1 घंटे में। अगर वो सेट आप आधे घंटे में कर लो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अलॉट 1 आवर डेली फॉर एलआरडीआई। इट कुड बी इवनिंग का, मॉर्निंग का, कोई भी एक टाइम। इसमें आपको
कुछ भी रेस्ट नहीं करना। मैंने आपको एक लोगो दिया था स्टार्टिंग में, चेंज योर लाइफ टूडे, डोंट गैम्बल ऑन द फ्यूचर, एक्ट नाउ विदाउट डिले। आप ये मत समझना कि मैं उस दिन तुक्का मार दूंगा मेरा हो जाएगा, आपको ये गैम्बलिंग होगी, आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो LRDI समझिए कैसे करना है। मैं भी आपको सेट देता हूँ, हर क्लास में 2-3 सेट कराता हूँ 2 घंटे में, आपको भी और प्रिपरेशन खुद से भी करना, मुझसे क्वेश्चन पूछ लेने। यहां तक क्लियर हुआ LRDI के लिए? LRDI में याद रखना, ये तो हो गया क्या करना। अच्छा, एग्जाम के लिए मैं आपको एग्जाम की ट्रिक दे देता हूँ, टिप देता हूँ। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे, जो बच्चे 23 का एग्जाम दे रहे उनके लिए एक टिप है कि जब आप LRDI का पेपर करने बैठते हो, ठीक है, उसमें आपके पास 40 मिनट होंगे और उसमें आपके पास 4 सेट होंगे, तो ट्राई टू सॉल्व ओनली 2 सेट। अच्छा, सेट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जब भी आप LRDI के सेट पिक करते हो ना, तो डिवाइड दिस 40 मिनट इनटू 20 मिनट एंड 20 मिनट के 2 पार्ट। पहले 20 मिनट में आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सेट करना है, उसके बाद 15-16 मिनट केवल उस सेट को डिकोड करने में लगाओ, ये नहीं कि आप क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि एक बार सेट आपका डिकोड हो गया, कल 11 बजे में जो आज हमारा प्लस का AIMT हो रहा है ना, उसका मैं डिस्कशन लूंगा LRDI के, तो आप देखना उस क्लास में आना, वहां पे आपको बता देगा कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये कंफर्म है कि 4 में से 2 सेट इजी होंगे, वो प्रैक्टिस से आपको मिल जाएंगे। तो 20-20 मिनट के 2 सेट करो, 2 सेट मतलब 10 क्वेश्चन आपके, और 10 क्वेश्चन में अगर आपके 8 भी सही हो गए तो आपको 99 प्लस। बात समझे मेरी? थम्स अप बटन हिट करो इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, कि आपको LRDI ऐसे ही करना है, एक सेट डेली रखना है, और जब भी कोई टेस्ट दोगे तो आपको 15-20 मिनट लो एक सेट को फाइनली डन करने में। यहां पर हम लोग को पता आदत क्या बन गई, जैसे हमने VRC क्वेश्चन किया या क्वांट क्वेश्चन किया, तो 5 त्रिशा मैं ये बोल रहा हूं कि आप जब भी कोई सेट तो आपको करना है, सेट के लिए 1 घंटा दो, ठीक है। व्हेन यू सॉल्व 500 सेट, तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब आप एग्जाम में सेट करोगे तो आपको कोई ना कोई 2 सेट फैमिलियर मिल जाएंगे जो आपने पहले कभी किए होंगे। तो गिव एटलीस्ट 20 मिनट फॉर ईच सेट, और उसमें भी 15-16 मिनट दो आप सेट को क्रैक कर डिकोड करने के लिए। एक बार सेट डिकोड हो गया तो 1-2 मिनट लगेगा आंसर मार्क करने में, तो सेट डिकोड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस से आएगा, मेहनत करेंगे और हो जाएगा ये। इज दिस क्लियर? ये तो हो गया LRDI। कोई क्वेरी हो LRDI से रिलेटेड मुझसे पूछो अभी, कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू LRDI यू कैन आस्क मी नाउ। सबको समझ में आ गया LRDI कैसे निकालना है? मैं हर 1.5-2 महीने पे सक्सेस मंत्रा लिया करूंगा, देखूंगा आप लोग किस लेवल पे चल रहे हो, क्योंकि हम इंडियंस में एक आदत हो गया कि आपको पुश करना पड़ता है। आपने देखा होगा, जैसे अब तो खैर बहुत मुश्किल होता है, घोड़ा गाड़ी होती है ना, घोड़ा गाड़ी कभी आपने देखी हो तो, घोड़ा गाड़ी का जो वो जो चलाता है उसको, उसके हाथ में एक हंटर होता है, वो घोड़े के मारता है तो घोड़ा भागता है। तो वही मैं आप लोग, मैं आपका, हाँ, तो मैं आपको हर 1.5-2 महीने में बार बार मारूंगा जिससे आप लोग चलने के तैयार हो जाए। तो आपको अभी अगले 1.5 महीने का टारगेट है कि एक सेट पर डे करना है, ठीक है। अब हम आते हैं VARC पर। याद रखो, इसमें RC में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है RC में RC वर्बल और RC। इसमें RC जो है 16 क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 4 पैसेजेस, तो 4 पैसेज होते हैं, 16 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको इसको सबसे ढंग से इंप्रूव करना है। आप लोग को बताए प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप कैट का लास्ट ईयर का या लास्ट कोई भी पेपर उठा लोगे तो हो सकता है जिन्होंने, जिनकी वर्बल वीक हो, शायद वो RC के पैसेज ना समझ पा रहे हो, उनको RC समझ नहीं आ रही, तो अब इसको कैसे करना है, इसको इंप्रूव करने का, नहीं मेरी, मेरे घर में शादी है, बहुत क्लोज शादी है, तो मैं इस बार एग्जाम दे रहा हूं, लास्ट ईयर दिया था मैंने। ओके, नाउ RC इंप्रूव करने का केवल एक ही तरीका है, एडिटोरियल ऑफ गुड न्यूज पेपर डेली। तो ये हो गया बिगनर के लिए, जो स्टार्ट कर रहा है बिगनर के लिए हो गया एडिटोरियल ऑफ गुड न्यूज़पेपर डेली। अच्छा, गुड न्यूज़पेपर में एक नाम आता है द हिंदू, जानते हो तुम लोग ये पेपर, या इंडियन एक्सप्रेस IE। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है,
मैं डेली अपने कम्युनिटी पर हिंदू पेपर अपलोड करता हूँ, मैं डेली अपने कम्युनिटी पर हिंदू पेपर अपलोड करता हूँ, तो यू कैन चेक माई कम्युनिटी, मैंने कम्युनिटी लिंक दे दिया, इसको ज्वाइन कर लो। तो डेली मॉर्निंग में 11 AM, आज तो मैं जल्दी अपलोड कर दिया, मैं 11 AM पर द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस अपलोड करता हूँ। अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर का एडिटोरियल, एक अगर आप बिगनर हो तो एक एडिटोरियल पढ़ो, क्योंकि जो RC पैसेज बनते हैं ना, वो इन्हीं से बनते हैं। धीरे धीरे आपको आदत पड़ेगी रीडिंग की, जो आपको वर्ड समझ नहीं आते, क्योंकि VRC में RC के 16 और 8 क्वेश्चन जो आते हैं, वो कई सारी चीजें होती है उसमें, जम्बल्ड होते हैं, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक, बहुत सारे अदर पार्ट होते हैं। लेकिन आपको अभी इनिशियली 2 महीने का टारगेट रखो, रीडिंग एडिटोरियल अभी स्टार्ट करो, 1 एडिटोरियल पर डे, फिर यू कैन गो विद 2 और 3 और 4 एडिटोरियल, क्योंकि इन्हीं एडिटोरियल से आपके थॉट बनेंगे। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है क्या, रीडिंग की इंपॉर्टेंस आपको पता है कहां मिलेगी, आपको हेल्प करेगी GDPI में। अब आप बोलोगे सर GDPI में कैसे हेल्प करेगी, याद रखना नो ट्रेनर कैन ट्रेन यू फॉर पर्सनल इंटरव्यू, नो ट्रेनर कैन ट्रेन यू फॉर ग्रुप डिस्कशन। यस, दैट न्यूज़पेपर दैट यू रीड विल ट्रेन यू फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, जब 4 दोस्त या 4 फ्रेंड या 4 रिलेटिव बैठ के बातें करते हैं, वो डिस्कशन जो होता है वही तो ग्रुप डिस्कशन है। इन केस ऑफ एग्जाम कॉलेज के ग्रुप डिस्कशन में क्या, तो आपको कुछ कुछ थॉट दिए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स दिया जाते हैं, उस पर आपको बोलना होता है, डिस्कशन करना होता है। अब अगर आपका कंटेंट रिच नहीं है तो हाउ कैन यू डिस्कस इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, आप कैसे अपने थॉट दोगे। तो ये जो ग्रुप डिस्कशन को आपको क्रैक करना, उसके लिए आपको आज ही से रीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो एडिटोरियल पढ़ोगे ना, करंट के एडिटोरियल आते हैं, करंट में क्या चल रहा है उसके एडिटोरियल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं आज का मैंने एक पेपर अपलोड किया था, मैं उसी को थोड़ा सा उसका एक पोर्शन अपलोड कर रहा हूँ आप लोग के, और कैसे आपको रीड करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, कैसे हम उस पेपर के एडिटोरियल को रीड करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको देखते हैं पेपर अपलोड हो जाएगा क्या, एक मिनट लेट मी चेक, क्या देखता हूँ हिंदू पेपर आज का अपलोड हो जाएगा इस फाइल में, देखते हैं, बहुत हैवी फाइल है शायद अपलोड होना हो। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे आपको रीडिंग करनी चाहिए, ठीक है, जिनकी इंग्लिश वीक है उनको कैसे रीड। अच्छा पेपर अपलोड हो गया, देखो मैंने पूरा हिंदू पेपर अपलोड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमको रीडिंग करनी चाहिए अगर आपकी इंग्लिश वीक है। जैसे मैंने आपको एक हिंदू पेपर अपलोड किया है, अच्छा बहुत टाइम लग रहा है फाइल अपलोड होने में, हाँ देखो ये पेपर दिख रहा है। अब इसमें कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है जो आपको GDPI में, ठीक है, अब जरा समझना, ये पेपर है जो मैंने अभी अपलोड किया था द हिंदू, आज का है ये, वोटर टर्नआउट क्रॉसेस 74% छत्तीसगढ़ MP इलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा पढ़ चुके पहले। देखो इसमें ये न्यूज फेस्टिव सीजन ट्रेन फेयर, ये कोई ये न्यूज काम की नहीं है, ठीक है, जो मैं पहली न्यूज दिखाई थी ना, जैसे वो था, देखो ये न्यूज काम की नहीं है, मतलब आपको समझना पड़ेगा, ये अच्छी न्यूज है, ये काम की न्यूज है। हाईकोर्ट कैसेस हरियाणा 75 लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर, ये बहुत बहुत अच्छी न्यूज है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए आज के पेपर में, क्योंकि ये सब GD में भाई कि 75% लोकल कोटा कर दो, फिर हर हर स्टेट आ जाएगा कि भाई हमारा भी कोटा दो, महाराष्ट्र में जो झगड़ा होता है इसी से पता होता है कि हमें कोटा नहीं जाता, ये फालतू न्यूज है, ठीक है, ओके। अब हम आते हैं मेन जो आपको पढ़ना चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा टू इंक्रीज योर थॉट प्रोसेस, किसी भी सिचुएशन के बारे में सोचने का तरीका, ये सब फालतू न्यूज है, ठीक है, ये सब फालतू न्यूज है, कोई इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छी न्यूज है, लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट, ये एक जनरल न्यूज है, यहां पर हम जो मेन, आपको मसाला न्यूज नहीं पढ़नी है, ठीक है, ये भी बेकार। अच्छा फ्रीबीज, ये भी बहुत अच्छी न्यूज है, फ्रीबीज बोल रहे तेलंगाना कांग्रेस मैनिफेस्टो, ये होना चाहिए नहीं, इस पर भी डिस्कशन हो सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज फ्री बीज देती, हाँ यहां से आता है मेन पार्ट, ओके। अब जरा इसमें 4 एडिटोरियल बहुत अच्छे एडिटोरियल है, इसको समझो जरा कैसे पढ़ना चाहिए आप लोगों को। बिल्डिंग द फ्लोर,
द जियो पोलिटिकल फॉल आउट ऑफ इसराइल हमास वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देखना है आपको। स्टेट ऑफ इकोनॉमी, ये बहुत अच्छी न्यूज है, तो आप इसमें से, और आपको ढंग से पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपको वर्ड ना समझ में आए, कुछ वर्ड की मीनिंग समझ में आए, कुछ सेंटेंस नहीं समझ में आए, तो आपको डिक्शनरी साथ लेके बैठना है, क्योंकि यहीं से आपके, जिसे आप आज का टारगेट रखना, मैंने आपको ऊपर कम्युनिटी दे दी है, कम्युनिटी ज्वाइन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपको ये न्यूज पढ़नी है, ठीक है, ये न्यूज, ये पूरा एडिटो पढ़ना है, इसको समझना है, जिससे आपका इकोनॉमी से बेस पैसेज अगर आए तो आप इंप्रूव कर सकते हो। और ये एक पैसेज पढ़ने में आपको कम से कम 1 आवर लगना है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो। यहां से स्टार्ट करो, आज से, आज आप इस पैसेज को पढ़ोगे और इससे अपने समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे लोग क्या करते हैं इसमें ना, यूट्यूब पर कुछ वीडियोज भी आते हैं, आप लोग क्या यूट्यूब पर एडिटोरियल वीडियो देखते हो? यस और नो लिखो कमेंट सेक्शन में। क्या आप यूट्यूब पर एडिटोरियल वीडियो देखते हो? ओके, ठीक है। अब करना क्या चाहिए, कोई अच्छा एजुकेटर देखो जो अच्छा पढ़ा रहा है एडिटोरियल यूट्यूब पर, जैसे अनअकैडमी में शायद लोकेश शर्मा सर पढ़ाते हैं, शायद देख लेना। लेकिन उनकी जो वो पैसेज पढ़ा रहे हैं, सुबह सुबह पढ़ाते हैं, तो देख लो कौन सा पैसेज पढ़ा है, तो पहले खुद से उस पैसेज को रीड करो, देन वॉच हिज वीडियो एट नाइट, जब रात में सोने जाओ तो 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है उसको देखो, तो जो आपने थॉट प्रोसेस डेवलप किया इस पैसेज में, देखो उन्होंने क्या बताया, तो उस वो सब आपको हेल्प करने जा रहा है, समझ गए बात। तो ये पूरा पेपर आपको मेरी मिल जाएगा, आप वहां से मेरे मेरे जो कम्युनिटी है वहां से लेना जाके, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आज से आपको ध्यान रख लेना, एक सेट LRDI, एक एडिटोरियल डेली, अभी RC में कुछ मत करो, जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ते रहो, और RC खुद से डेवलप करो। नाउ द मेन कॉन्सेप्ट आता है क्वांट, जो मेरा पार्ट है LRDI, क्वांट मेरा पार्ट है, क्वांट में कैसे करना चाहिए, अभी आपको अर्थमेटिक इंप्रूव करना है, अर्थमेटिक इंप्रूव करना है। अर्थमेटिक में मेरा जो क्लास चल रही है, एक बैच चल रहा है, इसमें मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अर्थमेटिक के लिए, मेरी एक बुक है, मैं आपको बुक बता देता हूँ, दिस इज माई बुक, मैथमेटिका नाम से मेरी बुक है, एंड बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है, रिव्यू देखना, ऑल 100% रिव्यू, बच्चों को बहुत पसंद आ रही है। सबसे बड़ी खास बात इस बुक की कि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, जो भी बच्चे इस बुक को लिए हैं उस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि हाँ ये ऐसी बुक मैंने बनाई जो बच्चों को बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि कोई अच्छी बुक थी नहीं जिसमें सॉल्यूशन भी अच्छे दिए हूँ, अच्छा थोड़ी बल्की बुक है क्योंकि सॉल्यूशन मैंने हर एक का दिया है और सॉल्यूशन भी बहुत डिटेल में समझाया। तो दिस इज मैथमेटिका, ये बुक आपको अमेजन पे अवेलेबल, लिंक मैंने पिन कर दिया। अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे वापस। हाँ भाई, हम बता रहे थे कि क्वांट में आपको करना क्या है, देखो अर्थमेटिक आपको करना है, सेकंड पार्ट आपको करना है एलजेब्रा, एलजेब्रा करना है, थर्ड है आपका मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री, फोर्थ है आपको नंबर सिस्टम, एंड फिफ्थ है आपका मॉडर्न मैथ्स। तो ये 5 पार्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करना है, इसमें से मस्ट पार्ट कौन कौन से है, देखो ये मस्ट अर्थमेटिक तो जरूर करना है, क्योंकि इसमें से आपको 10-11 क्वेश्चन मिलेंगे, और मैंने आपको बताया था कैट में अगर आप क्वांट में 15 क्वेश्चन करते हो यू आर थ्रू टू द एग्जाम। एलजेब्रा में आपको 5-6 क्वेश्चन, मेंसुरेशन ज्योमेट्री आपको 4-5 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 1-2, हाँ मैं स्टार्ट DI भी करूंगा उसके बाद, एंड मॉडर्न मैथ से 2-3 क्वेश्चन। तो अच्छा देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर सिस्टम इज वेरी वास्ट टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है, और एलजेब्रा ये सब बहुत बड़े टॉपिक है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री मॉडर्न मैथ छोटा है, लेकिन आप इनमें से 2 चैप्टर देखो, ये तो आपके मस्ट है जिनमें मैं ग्रीन टिक कर रहा हूं, ये दोनों मस्ट है, फिर आउट ऑफ दीज 3 सेलेक्ट 1, आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अर्थमेटिक का मेरे बैच कर लो, मैं रेगुलर कर रहा हूँ, कुछ क्लासेस हो चुकी हैं उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, बाकी मेरे नए बैचेस भी आते रहेंगे। अभी आप मेरा अर्थमेटिक में टाइम एंड वर्क चल रहा है, एक क्लास हो चुकी है, उसकी नेक्स्ट क्लास ट्यूजडे को, तो ट्यूजडे से पहले उसकी देख लेना। हाँ, अर्थमेटिक अलजेब्रा नंबर सिस्टम सफिशियंट है, अभी टाइम है, आप जो भी करो सॉलिड करो। मैं ये बोलता हूं आप लोगों से, क्वालिटी पे काम करो, ठीक है, क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे मत करो। अगर आप केवल अर्थमेटिक एलजेब्रा करोगे तो भी सफिशियंट है, देखो मिला के 15-16 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन करने पर तो आपका 100% 99+ आ जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं सारे क्वेश्चन आप सही कर पाओ, तो एक चैप्टर और कर लेना,
अभी हमारे पास ये है, ये अगर आप ढंग से पढ़ोगे, आपके पास अच्छी बुक हो, आप सीरियस एफर्ट देते हो, मेरी क्लासेस करते हो और अच्छी तरह से करते हो, तो आपको अर्थमेटिक तो क्लियर हो जाना, अर्थमेटिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेरी एल्जेब्रा की बुक आने वाली है, थोड़ा टाइम लग रहा है, एक दो महीने में आ जाएगी एल्जेब्रा की बुक आ जाएगी, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी अनएकेडमी की बुक्स भी बहुत अच्छी, उनसे क्वेश्चन करो, मैं जो टेस्ट देता हूँ उनको करो, दिस इज सफिशियंट। आप लोग समझ रहे हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, एक मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी है वो सारे चैप्टर ढंग से करेंगे। और याद रखना, मैं मॉडलस, ये जो मॉडर्न मैथ्स है ना, परम्यूटेशन, ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें से इजी आते हैं, मेंशन ज्योमेट्री में भी इजी आते हैं, तो बच्चे जिस चीज को छोड़ जाते हैं उसमें आसान क्वेश्चन आता है, तो ये भी आप अगर टाइम मिलता तो आखिरी में मैं करा दूंगा, बट अभी हमारा टारगेट हो जाए अर्थमेटिक, एल्जेब्रा और इनमें से कोई एक। और वैसे भी देखो यार, अर्थमेटिक करने में आपको कम से कम 3 मंथ लगेंगे, अगर आप सिंसियर एफर्ट दे तो कम से कम 3 मंथ, और इधर एल्जेब्रा में आपको कम से कम 2 मंथ लगने वाले, तो 5 महीने तो यही हो गए। अभी आपको कुछ मत सोचना, कुछ मत करना, गलती हो कुछ भी हो मुझसे प्रॉब्लम पूछो, और मैं, आप लोगों ने जो भी मेरी क्लास करते हो जानते होंगे मेरा रिकॉर्ड है, आई विल डिस्कस 95% डाउट, आपके जो भी डाउट होंगे मैं क्लास में सॉल्व कर देता हूं, तो उसका तो टेंशन मत लो। और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए अनएकेडमी, अनएकेडमी में एक हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से, नवंबर 10 से, इसको ज्वाइन कर लो। मैंने इसमें स्टार्ट किया था, LRDI स्टार्ट कर दिया, जिसका लिंक मैंने अभी आपको दिया था। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको करना क्या चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गोल को सेट कर लो, गोल क्या है, मुझे आप लोग को अच्छे MBA कॉलेज में जाना है, अच्छे MBA कॉलेज मतलब टॉप 50 MBA, बस इससे नीचे, इससे ऊपर नहीं, आपको टॉप 50 MBA कॉलेज, जैसे नरसे मुंजी है, IIM तो सारे हैं ही, जेड का XLRI हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, NMET के थ्रू कॉलेजेस आप ले सकते हो, तो ये आपको जाने जाने हैं। अब बीच में आपके डिस्ट्रेक्शन बहुत आएंगे, आप जब पढ़ाई करोगे LRDI सॉल्व नहीं होगी, लगे रहो, लगातार करते रहो, साल भर सफिशियंट होता है, लेकिन आपको लगातार करना पड़ेगा। रेज योर स्टैंडर्ड, अगर आपने एक क्वेश्चन आज किया तो कल उससे एडवांस लेवल क्वेश्चन करो, नो प्रूव ओनली इंप्रूव, कोई जरूरत नहीं किसी को प्रूव करने की मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में, आपको अपने को इंप्रूव करते जाना है, रिजल्ट विल स्पीक्स, ठीक है, जो आपने रिजल्ट दोगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपने आप पर बिलीव करो, बिलीव इन योर सेल्फ। और ये जो कैट एग्जाम है ना, कूल माइंड से दिया जाता है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, और जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, तो मैं आपको एक सक्सेस मंत्रा मूवी बता रहा हूं, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जानते हो उस मूवी के बारे में, कितने लोगों ने मूवी देखी है, कितने लोगों ने मूवी देखी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, थोड़ा टाइम लगता है, बैठना पड़ता है, मेरी क्लासेस करो, क्लास में रेगुलर आओ, आपको हेल्प होगी। जब भी आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, हाँ, इस मूवी को देखना, आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत मोटिवेटेड फील करोगे आप लोग, ठीक है, ये मूवी जरूर देखना, विल स्मिथ की बहुत अच्छी मूवी है, मतलब लाइफ में आपके साथ बहुत कुछ अप एंड डाउन चल रहा होगा, लेकिन अल्टीमेट गोल आपका क्या है, एक अच्छी जगह जाना, उसके लिए आपको लगातार काम करना है। लाइफ में बहुत से ऑड्स होंगे, जब आपके पास बहुत सारी डिस्कम्फर्ट होगा, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं होंगे, लेकिन उन रिसोर्सेस के ना होते हुए भी आपको सक्सेसफुल बनना है, जो भी रिक्वायरमेंट है उस सक्सेस को पाने के लिए, जैसे वर्बल की मैं आपको पूरी हेल्प कर रहा हूँ, मैं न्यूज पेपर अपलोड कर रहा हूँ, LRDI मेरी क्लास चल रही है, अर्थमेटिक क्वांट की क्लास, मतलब आपको तीनों पार्ट में मैं हेल्प कर रहा हूँ,
राइट, मेरा कम्युनिटी मैंने ऊपर दे दिया, उसको ज्वाइन कर लेना। किताब का लिंक मैंने दे दिया, अर्थमेटिक की बेस्ट बुक फॉर अर्थमेटिक, इसके आप रिव्यू पढ़ना। और सबसे बड़ी बात, यू कैन रीड दिस बुक फॉर फ्री, रीड फॉर फ्री, ठीक है। आप इस बुक को फ्री भी पढ़ सकते हो अनअकैडमी पर, सॉरी अनअकैडमी कह रहा हूँ, अमेजन पर। ये बुक आप किंडल एडिशन के थ्रू फ्री पढ़ सकते हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, आपको कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क मी नाउ। ये हम लोगों का नया बैच है जो कि 10th से स्टार्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन विद द कोड Bharat_Gupta, ठीक है। मेरे कोड से आप सब्सक्रिप्शन लोगे, यू विल गेट सम डिस्काउंट, और बुक के बारे में बता ही दिया। तो मिलते हैं आप लोगों से विद सम मोर क्लासेस। अच्छा, मैं CAT 24 के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट करूंगा आफ्टर 25th को, जो नवंबर को एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। अभी तो मैं कल से क्लास ले रहा हूँ 23 के लिए, कल मेरी कुछ क्लासेस है 23 वाले स्टूडेंट के लिए। मंडे से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे से आई विल स्टार्ट क्लासेस फॉर CAT 2024। मिलते हैं आप लोगों से, ऑल द बेस्ट। क्लास के बाद क्लास का फीडबैक जरूर देना, कैसे लगी आपको क्लास, वो थम्सअप वाले बटन आएंगे सबको हिट कर देना।